May I have your attention, please? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे रेल रिपोर्टिंग चैनल रेल फैंस जंक्शन पर। फ्रेंड्स, सामने से WAP 7 लोकोमोटिव के साथ गोरखपुर जंक्शन लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस आपको मेरे सामने आती हुई दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेस ट्रेन काफ़ी तेज़ी गति से आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को बताएंगे कि ये जब रायदास मंदिर वाली क्रॉसिंग को पार कर रही थी तो उसके 200 मीटर आगे अचानक से इस ट्रेन के सामने एक जानवर आ जाता है। तो उस जानवर की इसके चपेट में आने से तुरंत तत्काल मौत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसकी हम लाइव कवरेज दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएँ। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर रेलवे से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, हम आप सभी को अभी दिखा रहे हैं कि वो जो जानवर इंटरसिटी एक्सप्रेस से मरा हुआ था तो किस तरीके से उसकी मौत हुई है। तो देख सकते हैं ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ है और जो ट्रैक डबलिंग का लेबर काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने आँखों से मरते हुए इसको देखा है और उन सभी भाइयों ने इसको हटाने की कोशिश नहीं की, मगर ये अचानक से ट्रेन के सामने आ गया और इसकी तत्काल मौत हो गई। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ट्रेन निकल रही है यानी कि ट्रैक को पार कर रही, तो ट्रेन जब तक ट्रैक को पार ना कर जाइए तब तक आप ट्रैक को पार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप सभी के साथ ऐसा हादसा हो सकता है। तो ऊपर वाला करे, किसी के साथ भी ऐसा हादसा कभी भी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करने से फ्रेंड सभी को पता चल सकेगा कि इस तरीके से आने से अचानक मौत हो सकती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।